तो भाई उस बंदे ने पूरा वीडियो हम लोग का डिलीट करवा दिया। ये है वो मस्जिद जहाँ हम लोग जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, हमसा मार्केट। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट। आए का सीन, उसने कहा ये वीडियो डिलीट करने के लिए बोला, तो मैंने मान का कुछ सीन है। 200 रियाल खत्म हो गए है ना। हाँ। जो बैठा हुआ है इसने मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिया। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का ब्लॉग काफी स्पेशल होने वाला है और आज हम लोग जा रहे हैं हमसा मार्केट। हमसा मार्केट, तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट, तो आपको दिखाते हैं मार्केट का नजारा कैसा होगा। तो अनमोल, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग ने अभी शॉर्टकट लिया है यहाँ से, तो अंदर ही अंदर जा रहे हैं शॉर्टकट लेकर, और मार्केट पहुंचकर आपको दिखाते हैं मार्केट का पूरा सीन। तो अभी हम लोग को कुछ खरीदना था, क्या खरीदना था? कुछ सामान, इसको अपने बांग्लादेश में कुछ सामान भेजना है, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, और मुझे अभी अपने, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ, उससे रिलेटेड अभी मुझे कुछ खरीदना है सामान। तो ये है सीन वहाँ का, बाहर का। तो अभी सामने जाकर हम लोग को राइट साइड दिखाता हूँ आपको पूरा ब्लॉग। चौराहे पे पहुँच गए हैं और ये है चौराहे का सीन। हम लोगों को किधर चलना है, उधर चलना है, किस तरफ से जाना है? हाँ, पहुंच गए हैं मार्केट में, और मार्केट ज्यादातर मार्केट क्लोज है यार। हाँ, आज फ्राइडे है ना, इसलिए। तो शुरुआत करी हमने एक हेडफोन लेकर। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को अपने हेडफोन दिलाया और कांड हुआ ये मार्केट में। देखिएगा, एक बंदा ये जो बैठा हुआ है, इसने मुझे वीडियो बनाते हुए देख लिया और इसने कहा कि वीडियो को डिलीट कर दो। वो वीडियो मेरी काफ़ी लंबी बनी हुई थी और मुझे बहुत खला वो वीडियो डिलीट करते हुए, बट हाँ, अब जब सामने वाले की परमिशन नहीं है तो कैसे। तो मैं एक रिंग लाइट लेने की सोच रहा था, मैंने एक रिंग लाइट ले भी लिया था, बट मैंने उसको वापस कर दिया क्योंकि उसमें लाइट ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने उसको वापस कर दिया। आए हैं मार्केट में और हमारे ये बहुत प्रिय दोस्त हैं, हमारे भाई ना, तो उनकी शॉप पर जाकर चेक करते हैं जो हम लोग को चाहिए। सलाम अलैकुम। अभी हम लोग ने लिया है 2 जीन्स और दुकान का कुछ सीन है मैं दोस्त की दुकान से। हो गई है शॉपिंग खत्म और मैंने लिए अपने लिए एक रिस्ट वॉच और कुछ अपने परफ्यूम्स लिए हैं, और ये मुझे अन्ना की तरफ से फ्री मिला है। एक इसको अन्ना ने फ्री दिया है, दो चीज़ें फ्री दी, 3 चीज़ें एक्चुअली फ्री दी हैं, 2 अतर दिए हैं और एक फेस वॉश फ्री दिया है। मैंने लिया अपने लिए 2 जीन्स और बहुत सारा सामान। तो अभी चलते हैं घर की तरफ और ओपन कर करके दिखाते हैं कि क्या कहते हैं। ये है वो मस्जिद जहाँ हम लोग जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं और ये है हमारे घर तरफ जाने का रास्ता। कैसा लगा? बेचारे की सैलरी खत्म हो गई। इसने अपने लिए, बेचारे ने 200 रियाल रोक के रखे थे और 200 रियाल खत्म हो गए है ना। 200 रियाल बेचारे ने रोक के रखे थे, 200 रियाल इसके हो गए खत्म। मेरे भी वो लंबी ठुकी हो गई। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट गया और मार्केट का पूरा सीन सही से दिखाया, तो एक हम लोग के साथ एक सीन हुआ कि मैं मार्केट में जब वीडियो बना रहा था, तो देखिए एक्चुअली बिना परमिशन के वीडियो बनाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में जब मैं वीडियो बना रहा था, एक बंदे ने मेरे से बोला कि उसका वो कुछ सामान बेच रहा था और उसने कहा ये वीडियो डिलीट करने के लिए बोला, तो मैंने, वो मेरा काफ़ी लंबा वीडियो था, तो उसने अपने कहा डिलीट कर दो, इसको मत डालो और अच्छे से बात करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, वीडियो बनाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। तो उसमें मैं मिस कर गया, तो मैंने वो वीडियो को डिलीट कर दिया और मैंने ज़्यादा फिर शॉट नहीं लिए। मैंने कहा अभी चलते चलते बस मैं ब्लॉग बनाऊंगा, और मैं अभी हूँ नजरान में और मैं गया था अभी मार्केट। फिर उसके बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो मैं खमसा मार्केट पहुँचा, तो वहाँ पर चार्जिंग करने का कोई सीन नहीं था। तो भाई उस बंदे ने पूरा वीडियो हम लोग का डिलीट करवा दिया, तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, वीडियो मैंने डिलीट किया है। तो ये एडवांस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे कोई मार्केट में जाकर वीडियो बनाते हैं, तो सबसे पहले इस तरह से आपको वीडियो बनाना है कि किसी को, किसी का फेस उसमें नहीं आना चाहिए, और जहाँ भी आप वीडियो बनाएं एकदम खुल कर वीडियो बनाएं, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि हाँ, आप उसका वीडियो बना रहे हैं। हमारा कॉफ़ी शॉप और अभी ये ओपन होगा, अभी हम लोग आके इसको ओपन करेंगे 2 घंटे बाद, यानी कि शाम को 5 बजे। फ्राइडे को स्पेशली छूट रहती है। और ये हमारे कफिल का दूसरा रेस्टोरेंट मताम अल सद्दा। तो कदम भाई कदम, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे। साथ में जो मेरे दोस्त था वो चला गया अलग साइड पे, और अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा। भाई साथ में अभी सो रहे होंगे। हाल ही सो रहे हो भाई? पंक 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 पंक।
भाई ये सारा सामान लाए, दो जीन्स मैंने लिए, पर्स लिया है, एक वॉच ली है, अतर ये मुझे फ्री मिला है, और ये सॉक्स हैं। तो अभी घड़ी को खोल के दिखाते हैं कैसी है। तो अभी इसका टाइम है अनबॉक्सिंग करने का। तो ये है वॉच, और इस वॉच की खासियत ये है कि जब आप इसको पहनोगे अपने हाथ में तभी ये ऑन होगी। तो आज के ब्लॉग को ये करते हैं यहीं से एंड, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, और जो स्पेशली नजरान से हैं वो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।